Hello and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to learn about WordPad. Wordpad is a is an application software. And students, you all know application softwares are meant uh, for some specific task.

साथ ही साथ आप इसमें जो भी फ़ॉन्ट है उसका कलर साइज स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं वर्ड पैड का एक फीचर इसमें जो दिया गया है वो है इसमें हम शेप्स और पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं कट कॉपी पेस्ट जो जैसी सिंपल चीजें भी हमें वर्ड पैड में प्रोवाइड की गई हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ नेसेसरी चेंजेस को बिना टाइम के फटाफट कर सकते हैं और अगर आपको उसका प्रिंट आउट लेना है तो उसके लिए भी फैसिलिटी है ये भी फीचर उसमें प्रोवाइड किया गया है कि आप इसका प्रिंटआउट भी इजीली निकाल सकते हैं और वर्ल्ड पैड में किसी भी डेटा को आप फ्यूचर यूज के लिए भी सेव करके रख सकते हैं तो चलिए हम देखेंगे कि हम वर्ड पैड को कहा से और किस तरीके से ओपन कर सकते हैं सो लेट्स बिगिन वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन सबसे पहला काम हमें क्या करना है हमें स्टार्ट बटन को क्लिक करना है जैसे ही हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं वी हैव टू क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है बिकॉज़ ऑफ़ सम प्रॉब्लम इन द हार्डवेयर ऑल प्रोग्राम्स पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेसरीज आ जाता है हम एक्सेसरीज को क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन आता है वर्ड पैड तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही आप वर्ड पैड को क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाती है मैं एक बार स्टेप्स आपको और बता देती हूँ सबसे पहला काम है स्टार्ट बटन को क्लिक करना देन ऑल प्रोग्राम्स देन एक्सेसरीज एंड देन हियर यू विल फाइंड वर्ड पैड और ये वर्ड पैड की विंडो जो है ओपन हो गई जैसे कि आप देख रहे हैं सो दिस इज अ वर्ड पैड विंडो ंडो देअ डिफरेंट थिंग्स दिस विंडो इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट कॉम्पोनेट ये विंडो डिफरेंट कॉम्पोनेट्स में डिवाइड की हुई है एक एक करके मैं आपको सारे कॉम्पोनेट्स बताती हूँ आप ध्यान से सुनिए जो ये व्हाइट एरिया है ये कहलाता है डॉक्यूमेंट एरिया दिस इज कॉल्ड दूमेंट एरिया इन दिस डॉक्यूमेंट एरिया यू कैन सी ये जो एक ब्लिंक कर रहा है दिस इज द इंसर्शन पॉइंट इंसर्शन पॉइंट का मतलब है कि आप इसको सो सो दिस इज द इंसर्शन पॉइंट फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइपिंग ये इंसर्शन पॉइंट होता है यहां से हम टाइप करेंगे जब कीबोर्ड की हेल्प से तो वो लेटर्स यहां पर टाइप होने लगेंगे इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं दिस इज वर्ड पैड बटन ये वर्ड पैड बटन है ओके देन बिसाइड दिस वर्ड पैड बटन यू कैन ऑल्सो सी फ्यू ऑप्शन आर प्रोवाइडेड हियर ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार जो आप देख रहे हैं यहां पर ऊपर ये इतना पोर्शन क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है उसके बाद जहां पर लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट वर्ड पैड ये डॉक्यूमेंट वर्ड पैड जहां लिखा हुआ है दिस कंप्लीट इज नोन एज दी टाइटल बार अभी हमने अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी नेम से सेव नहीं किया तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड पैड आ रहा है जब हम सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट की जगह पर जिस भी नाम से सेव करेंगे वो नेम यहां आ जाएगा और डॉक्यूमेंट उससे रिप्लेस हो जाएगा उसके बाद यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं दीज आर कॉल्ड दी कंट्रोल बटन छोटा सा माइनस का साइन है फिर ये डबल स्क्वायर जैसे आपको दिख रहे हैं एंड देन दिस इज द क्लोज बटन तो ये आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाला है दिस इज अ मिनिमाइज बटन जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप देखिए जो मेरी पूरी स्क्रीन है विंडो की ये वर्ड की वो नीचे यहां पर टास्क बार में मिनिमाइज हो गई और अगर मुझे इसको फिर से वापस लाना है तो मैं वापस इसको क्लिक कर दूंगी तो ये फुल स्क्रीन आ जाती है सो दिस इज अ मिनिमाइज बटन इसके बाद जो यहाँ पर उसका नेक्स्ट हम देखते हैं डबल स्क्वायर में दिस इज मैक्सिमाइज बटन या रिस्टोर अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप ये देखिए कि मेरा जो पीछे का डेस्कटॉप है वो मुझे दिखाई देता है और वर्ड पैड जो है छोटे से स्क्रीन के फॉर्म में दिख रहा है अगर मुझे फिर से इसको फुल स्क्रीन करना है तो मैं वापस से इसी बटन को क्लिक करूंगी एंड देन इट विल बी मैक्सिमाइज्ड। और फिर ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये क्लोज का बटन है अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगी तो वर्ड पैड एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा तो अभी मैं इसको क्लिक नहीं कर रही हूँ इसके बाद ये टैब है जो आप देख रहे हैं होम और फिर इसके बाद व्यू ये सारे टैब्स हैं इस होम टैब में जैसा कि आप देख रहे हैं ये ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप जो लिख रहा है यानी यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक जहां तक लाइन है ये पूरा एक ग्रुप कहलाता है विच इज नोन एज फॉन्ट ग्रुप Then this complete, जहां लिखा हुआ है, ये line आप देख सकते हैं ये यहां, पर वर्टिकल है, यहां पर भी एक वर्टिकल लाइन है पिक्चर पेंट ड्रॉइंग डेट एंड टाइम इंसर्ट ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं एंड एट दी लास्ट there इज एन एडिटिंग groups तो ये सारे ग्रुप्स कहलाते हैं नाउ क्विक एक्सेस टूल बार जैसा कि भी भी मैंने बताया था यहां पर ऑप्शन होते हैं अलग अलग सेव करने के लिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है अंडू करने के लिए यानी मैंने कोई एक्शन किया और मुझे उसे कैंसल करना है तो मैं यहां से डायरेक्टली क्लिक कर सकती हूँ एंड देन देर इज एन ऑप्शन फॉर री टू तो ये कुछ ऑप्शन हमें क्विक एक्सेस टूल बार में गिवन है जिनकी हेल्प से हम ये तीनों ऑपरेशन बहुत जल्दी से कर सकते हैं एंड ये जो पूरा पार्ट है जहां पर हमारे टैब्स और ग्रुप्स होते हैं ये पूरा कहलाता है कंप्लीट दिस इज नोन एज रिबन इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर एक रूलर जैसा भी दिया हुआ है इफ यू कैन सी ओके देन हाउ कैन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट अब आपको टाइप करना तो आता है जैसे मैं यहां लिख देती हूं इट इज my फर्स्ट वर्ड पैड डॉक्यूमेंट तो ये मैंने लिख दिया की बोर्ड की हेल्प से आप सब लिख सकते हैं अब मैंने जैसे आपको बताया था यहां पर एक ऑप्शन है देखिए जैसे जब मैंने यहां लिख दिया तो ये बटन हाईलाइट हो गया ये अंडू का बटन है अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप देखिए क्या होता है जो भी मैंने लिखा था वो सब Erase हो गया मुझे वापस लाना है तो यहाँ पर आप उसके देखिए हो जाता विच इज कॉल्ड रीडू जब मैं उसको क्लिक करूंगी तो वो लिखा हुआ टेक्स्ट वापस आ जाता है लेकिन ये एक्शन इसके आगे अगर हमने कुछ नहीं किया हुआ तो तभी रिपीट होगा अदरवाइज ये नहीं होगा तो इसका आप यूज कर सकते हैं बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए हैं इनकी हेल्प से देखिए जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ इलेवन है फोन साइज अगर हम चाहें तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं तो इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैंने ये सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ माउस और फिर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो साइज देखिए इंक्रीज हो गया अगर आप चाहते हैं इसको कलर को चेंज करना तो आप यहां से इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड का ऑप्शन है ये इटिक्स का ऑप्शन है क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आप मैं जब और बोल्ड भी हो गया अब मुझे अगर वापस कैंसिल करना है मैं नहीं चाहती तो मैंने सिलेक्ट किया ये देखो मैंने उसको बटन को वापस क्लिक किया तो अंडरलाइन हट गया इटैलिक्स को वापस क्लिक किया तो वापस नॉर्मल टेक्स्ट में आ गया तो ये ऑप्शन के हेल्प से हम ये सारी ऑपरेशन कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं आप उनको ट्राई कीजिए अगर आपको यहाँ पर जैसे है सपोज करिए आपको साइज बढ़ाना है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं यहाँ आप फोन ग्रुप में जा करके फोन पर अपने कर सकते हैं तो दीज दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड पैड नॉर्मल डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड की तरह से इसमें आप काम कर सकते हैं अगर आपको कोई नया क्रिएट करना है तो फिर आप इसके लिए यहाँ पर जाएंगे जो वर्ड पैड बटन है, इसको क्लिक करेंगे, और फिर न्यू का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे, तो एक नया डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा इसके बाद अगर हमें अपनी फाइल सेव करनी है लाइक मैंने जो पिछली फाइल बनाई थी अगर मैं उसको लिख दू इट इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट ये मैंने अपनी फाइल बना ली और अगर मुझे इसे सेव करना है तो सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सेव करने के लिए मुझे यहां आप देख रहे हैं कोई एक्सेस टूल बार में सेव का ऑप्शन है मुझे ये क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ये विंडो एक ओपन हो जाती है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अब हमें क्या करना है सबसे ऊपर आता है कि हमें ये फाइल को सेव कहां करना है तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप को चूज कर लेती हूँ तो देखिए आप यहाँ पे डेस्कटॉप चेंज हो गया और फिर आता है यहाँ पे फाइल का नेम जैसे यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट आर टी एफ तो ध्यान रखना है आपको वर्ड पैड की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट आर टी एफ तो मुझे क्या करना है जहां पर ये डॉक्यूमेंट है फाइल का नेम दिया हुआ है मैं उसको हटा दूंगी डिलीट किया मैंने वहां से और मैं कोई भी फाइल डाल दूंगी लाइक आई एम राइटिंग हियर क्लास थर्ड और फिर मैं इसको सेव पर क्लिक कर देती हूं अब आप देखिए देख सकते हैं आप कि जो ता, ये टाइटल बार था यहाँ पर नेम आ गया क्लास थर्ड आर टी एफ तो इस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं अब अगर आपको क्लोज करना है तो आप इस क्लोज बटन को क्लोज कीजिए और आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी और अगर आप चाहते हैं आपकी फाइल को ओपन करके देखना तो हम उसी प्रोसीजर को फिर से फॉलो करेंगे या तो जहां पर आपने फाइल सेव की है उस जगह से देख सकते हैं अदरवाइज आप जाइए स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज वर्ड पैड और ये आपकी विंडो ओपन हो गई यहाँ से जाइए वर्ड पैड बटन में और यहाँ जाइए ओपन में तो जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर यहाँ पूरा पाथ मिल जाएगा और आप जाकर के अपनी वर्ड पैड की फाइल को यहाँ से सर्च कर सकते हैं लाइक ये है मेरी फाइल और इसको मैंने किया ओपन तो जो मैंने लिखा था वही वाली फाइल ओपन हो गई और आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसी फाइल का नेम आ गया तो हम वर्ड पैड बटन में वर्ड पैड को ओपन करके भी देख सकते हैं या फिर सिंपल जैसे मैंने फाइल डेस्कटॉप पे सेव की थी तो मुझे यहां पर दिख रही है आप इसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो सो दिस ऑल अबाउट वर्ड पैड दिस मच इज गिवेन इन योर सिलेबस तो हमें क्या करना है इतना बस सीखना है अब हम इसको क्लिक क्लोज कर देते हैं This is all about the word pad. Hope this video is going to help you to create your documents in WordPad. See you in the next video with a new topic. Till then, have a nice time and enjoy learning.